अमेज़ॉन पर किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे बड़ा वेरिएबल होता है उसका यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के पीछे उसके क्या कॉस्ट अफिलिएटेड हैं, वो कितने का पड़ेगा, कौन से चार्जेस आपसे प्लेटफॉर्म लेगा या पेमेंट गेटवे लेगा, और आप हर प्रोडक्ट के सेल पर कितना मार्जिन कमाओगे और कितने डॉलर पर यूनिट प्रॉफिट कमाओगे। तो इसके पहले कि आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करो, उसे सेलेक्ट करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद, आपको अपने यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। और यहीं पे बात आती है अमेज़ॉन के FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर की, जो एक टूल है प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय अमेज़ॉन फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप यूज़ करके ये देख सकते हो कि आपके प्रोडक्ट पर कितना FBA फी लगेगा, कितना स्टोरेज फी लगेगा, कितना रेफरल फी लगेगा, और आप एट द एंड ऑफ द डे कितने अपने पॉकेट पे एज अ प्रॉफिट लेके आओगे, मार्जिन वाइज, मतलब परसेंटेज वाइज, एज वेल एज डॉलर प्रॉफिट पर यूनिट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन फोकस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली कितने डॉलर्स बना पाओगे ऑन एवरेज वेन एवर यू मेक अ सेल बिफोर कटिंग डाउन योर एड एक्सपेंसेस, मतलब बिफोर इंक्लूडिंग योर एड एक्सपेंसेस। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अमेज़ॉन का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर होता क्या है, व्हाट इज अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, हाउ डू यू एक्सेस इट, आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो इवन विदाउट अ सेल सेंट्रल अकाउंट, फिर हम देखेंगे आप उसको कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हो, आपके पास कौन से डेटा पॉइंट्स होने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है उस कैलकुलेटर को सही तरीके से यूज़ करने के लिए, इवन इफ़ आपका प्रोडक्ट एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका एक प्रोडक्ट एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है जिसमें आपने प्रोडक्ट का साइज़ बदला है, प्रोडक्ट के पैकेजिंग का साइज़ बदला है, उसका वेट बदला है, उसके बाद भी आप ऑलमोस्ट एक्यूरेटली कैसे FBA फी डिड्यूस कर सकते हो इवन बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोडक्शन, राइट? सो बिना टाइम ज़ाया करे शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या होता है अमेज़ॉन का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ऑलराइट, सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे समझ लो कि क्या होता है अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, सो दैट अगर आपको किसी को बताना पड़े ये कल तो आप उन्हें भी ठीक से समझा पाओ। तो अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर है क्या? अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर बेसिकली एक टूल है जिसको यूज़ करके आप किसी भी प्रोडक्ट की FBA फीस और रेफरल फीस का पता लगा सकते हो इवन बिफोर यू एक्चुअली पुट देम ऑन अमेज़ॉन, इवन बिफोर यू एक्चुअली लिस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन। मतलब इसका मतलब ये कि अमेज़ॉन में प्रोडक्ट भेजने से पहले और अपना प्रोडक्शन भी शुरू करने से पहले, मतलब बेसिकली बिना किसी खर्चे किए आप ये पता लगा सकते हो क्वाइट एक्यूरेटली कि आपके प्रोडक्ट के पीछे कितना FBA फी लगेगा, कितना रेफरल फी लगेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप कमा पाओगे पर यूनिट सोल्ड, और कितने डॉलर्स पर यूनिट सोल्ड आप कमा पाओगे, ठीक है? सो अमेज़ॉन का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है वो ऐसा कुछ दिखता है स्क्रीन पे। इसका हम एक लाइव डेमो अभी मैं आपको देने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स रेडी कर रखे हैं ताकि यू नो इस वीडियो को हम बहुत ही एफिशिएंटली देखें, और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आइटम का प्राइस, राइट, क्या प्राइस पे आप अमेज़ॉन पर इसे बेचोगे, कॉस्ट टू शिप ऑन अमेज़ॉन पर यूनिट, मतलब हर यूनिट, मतलब जो आपकी पूरी शिपिंग की एक्सपेंस है उसको जब आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हो, मतलब आपने अगर समझ लो $1,000 खर्चा किए 1,000 पीस को अमेज़ॉन US में भेजने के लिए, मतलब हर पीस में कितना लगा, $1, राइट? तो यहाँ पे हम $1 उस वैल्यू को डालेंगे जो $1 होगी, राइट? उसके बाद तीसरा वेरिएबल है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें हम सारे चीज़ों को जोड़ेंगे, ना कि सिर्फ वो प्राइस जो हमने पहले अलीबाबा पे देखी थी, बट एक्चुअली वो प्राइस और उसके ऊपर कोई भी कस्टमाइजेशन के खर्चे, पैकेजिंग के खर्चे, और अगर हमने किसी चीज़ के लिए डाई बनवाई थी या फिर कुछ सैम्पल ऑर्डर किया था, वो सारी चीज़ों को जोड़कर हम उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से टू गेट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है? और ये जो नंबर होगा वो यहाँ जाएगा, राइट? इसे हम लाइव देखेंगे, बट पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखना है या फिर अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर लिखना है, और मैं आपको ये करके दिखाता हूँ अभी, और आपको बस यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक करना है तो इसके बाद आपका रेवेन्यू कैलकुलेटर खुल जाएगा, बट लेट मी शो यू लाइव कि ये करते कैसे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ google.com पे, मैंने कुछ नहीं किया, बस google.com ओपन किया है। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, और इसे लिखने के बाद मैं एंटर दबा दूंगा, और यहाँ पे जो पहली लिंक होती है 99% ऑफ द टाइम्स दैट इज एक्चुअली द करेक्ट अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। आपको बस ये देखना है कि ये sellercentral.amazon.com की लिंक हो, मतलब यहाँ पे अगर कोई ऊपर एड आ रहा होगा तो उस पर नहीं क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर खुल जाएगा,
और जैसा कि आपको ये यहाँ बता रहा है, यू कैन ईदर साइन इन टू योर सेलर सेंट्रल अकाउंट, मतलब अगर आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आपको बस यहाँ कंटिन्यू एज अ गेस्ट पे क्लिक करना है और आपका ये टूल ओपन हो जाएगा। अब कुछ ही मिनट में हम ये देखेंगे कि आप इस टूल को यूज कैसे कर सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ, बट उसके पहले चार इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपको जानना जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली यूज दिस करेक्टली। तो FBA कैलकुलेटर तो खुल गया, पर अब ये देखना है हमें कि इसे यूज कैसे करते हैं और कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? तो इसे सही तरीके से यूज करने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। नंबर वन, अगर आप किसी प्रोडक्ट को ऑलरेडी देख रहे हो मार्केट में जो अवेलेबल है और आपका प्रोडक्ट उससे ज्यादा अलग नहीं होगा, मतलब ये कि अगर आपका जो प्रोडक्ट आप जो लॉन्च करोगे उसका एक नया वर्जन अपने ब्रांड के अंदर, उसका वेट और साइज अगर उस एक्चुअल प्रोडक्ट से जो Amazon पर ऑलरेडी लिस्टेड है उससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो आपको उसके ASIN पता होने चाहिए। अब ASIN क्या होता है ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखा दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मेरे चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस को देखना पड़ेगा। ASIN बेसिकली हर प्रोडक्ट का जो भी Amazon पर लिस्टेड है उसका एक यूनिक रोल नंबर होता है जिसको हम ASIN कहते हैं, ठीक है। फिर आपको सेकेंड पॉइंट क्या पता होना ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब उस प्रोडक्ट को Amazon.com के FBA वेयरहाउस पे भेजने तक जो भी खर्चा होगा उसको हम अगर सारे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक लैंडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितने डॉलर का एक प्रोडक्ट पड़ा एक्चुअली वहां वेयरहाउस में पहुंचने तक, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग कस्टमाइजेशन, इंक्लूडिंग कस्टम्स, इंक्लूडिंग शिपिंग, इंक्लूडिंग सैम्पल कॉस्ट, सब कुछ जोड़कर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पॉकेट से जो भी पैसा गया उसको जब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से तो हमें एक लैंडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता चलता है, और वो लैंडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो वेरिएबल है, जो नंबर होगा, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम जब मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि कोई और प्रोडक्ट हम मार्केट में ऑलरेडी मिलता है उसका ही एक नया वर्जन हम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको ये पता लगाना बहुत जरूरी है बाय टॉकिंग टू सप्लायर्स, बाय लुकिंग एट अली एक्सप्रेस, बाय लुकिंग एट अलीबाबा एंड गेटिंग एक्चुअल कोटेशंस बिफोर वी यूज दिस टूल करेक्टली, ठीक है। नंबर थ्री, यूनिट वेट, मतलब आपके प्रोडक्ट का वेट कितना होगा पाउंड्स में, मतलब आपको अगर कोई केजी में या ग्राम में बताता है तो कुछ नहीं, गूगल पे जाके उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बस गूगल पे जाकर ये लिखना है केजीज टू पाउंड्स या फिर केजी पाउंड्स टू केजीज कन्वर्टर, और आपके पास वो फ्री कैलकुलेटर खुल जाएगा। आपको बस वहां जाके केजी में वैल्यू डालनी है, जो भी आपकी वैल्यू है केजी में आपको पाउंड में पता चल जाएगा कि वो कितना है। आपको वो वेट पता होना जरूरी है स्पेशली फॉर amazon.com। और लास्टली आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके पैकेज का, मतलब प्रोडक्ट का नहीं, समझ लो अगर आपका ये प्रोडक्ट है जो एक फोन है जो एक बड़े से डब्बे में आता है, राइट, तो वो जो डब्बा है उसका क्या लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होगा, मतलब कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है, ये डायमेंशंस जो होते हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर आपको इस टूल को सही तरीके से यूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो पर, और मैंने यहाँ पे जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो तीन एग्जाम्पल ऑलरेडी रेडी रखे हैं। ये तीन एग्जाम्पल्स मैंने रैंडमली ढूंढे थे बिकॉज आज बस हमें इस कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं ये देखना है। आज हम कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट हंट पे नहीं फोकस कर रहे हैं, राइट? तो ये तीन प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, मतलब आपने अगर किसी प्रोडक्ट का डब्बे का साइज बदला है या फिर प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट में भी कस्टमाइजेशन की है जिसकी वजह से उसका वेट बदल गया है जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मतलब समझ लो मार्केट में अगर किसी चीज़ के 100 वेरियंट्स अवेलेबल है और आप जो लॉन्च कर रहे हो वो उन 100 के 100 में से डिफरेंट है, आपका साइज अलग है, आपका वेट अलग है, राइट, और आपका लैंडेड कॉस्ट भी अलग है, तो उस केस में आपको कैसे इस टूल को यूज़ करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम ये डेटा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भर दिए हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ क्या भरा है, राइट। तो ये हम फिर हम कैलकुलेटर में डालेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है, राइट। सो बेसिकली ये एक कुछ डॉग का टॉय प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस फिलहाल मार्केट में $24 है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस का डेटा पॉइंट आ गया है। लैंडेड कॉस्ट इसका मैंने $8 डाल दिया है, ये मैंने थोड़ी सी रिसर्च की अलीबाबा पे, अली एक्सप्रेस पे, और वहां से मैंने ये डिड्यूस किया। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो बैक्ड बाय माई एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है कि अप्रॉक्सीमेटली ये इतने का ही पड़ेगा लैंडेड, राइट, इंक्लूडिंग वट एवर यू नो कस्टमाइजेशन आर पॉसिबल। एंड इसका जो वेट है ये मैंने अमेजोन से ही निकाला है इस प्रोडक्ट का, मैं आपको ये दिखा दूंगा कि ये वेट कैसे देखना है, कहाँ पे मिलेगा आपको ये डेटा पॉइंट, राइट, और ये उसका यूनिट डायमेंशंस है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, इसका प्राइस, ये इसका वेट और इसके डायमेंशंस, ये कहाँ से मिले मुझे।
तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ खोल रखा है, राइट, सबका टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली अभी तो ये फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, पर इसका एक्चुअल जो प्राइस है जो ये मार्केट में हमेशा बिकता है वो है अप्रॉक्सीमेटली $24.99। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस दिखती है वो आपको प्राइस पिक करना है, पर आपको स्टेबल वाली प्राइस पिक करनी है। आपको वो प्राइस नहीं पिक करना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बिकॉज हो सकता है कि जब आप इसे देख रहे हो ये सेलर एक कोई डिस्काउंट चला रहा हो या ऑफर चला रहा हो, तो आपको एक सही तरीके का आइडिया नहीं लगेगा कि वो कितना प्रॉफिट कमा पा रहा है, राइट। सो हम इस प्राइस को नहीं देखेंगे, हम इसके लिस्ट प्राइस को देखेंगे, राइट। और इसका जो वेट और डायमेंशन है वो यहाँ पे आपको एक टेबल होता है वहाँ मिल जाता है, या फिर यहाँ नीचे जो सेक्शन होता है प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट डायमेंशन लिखे हैं और प्रोडक्ट का वेट भी लिखा हुआ है, और मैंने यहीं से डेटा उठाकर अपने टेबल में डाल रखा है। तो चलो चलते हैं Amazon के FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में और ये डेटा पॉइंट्स डालते हैं। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट पर ले जाना चाहता हूं तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं इस प्राइस पर बेचूं और ये अगर इसकी लैंडिंग कॉस्ट हो तो मुझे कितने डॉलर्स का प्रॉफिट होगा और कितना परसेंटेज मार्जिन होगा मेरे पास, राइट। तो ये पता लगाने के लिए चलते हैं Amazon के रेवेन्यू कैलकुलेटर में और ये डेटा डालते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने पैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया Amazon का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर और सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड पे हम फोकस करेंगे जिसमें बेसिकली हमें डालना है प्रोडक्ट का ASIN, राइट। तो ASIN क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ ऊपर से भी आप ढूंढ सकते हो या फिर यहाँ पे नीचे भी आपको प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे उसका ASIN मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है, राइट। पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है, उसके बाद ये उस प्रोडक्ट को जाकर अपने कैटलॉग पे ढूंढ लेगा। तो एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को यहाँ पे जिसका भी ASIN यहाँ डालोगे वो प्रोडक्ट Amazon पर लाइव होना चाहिए और लिस्टेड होना चाहिए। कभी कभी Amazon से वो प्रोडक्ट गायब हो जाता है फॉर वॉट एवर रीजन्स, हो सकता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है उसमें कोई इशू आई हो तो Amazon ने उस लिस्टिंग को हटा दी हो, उस पॉइंट पे ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी अब आपको उसका डेटा दिख रहा है, यूनिट का वेट क्या है, यूनिट का डायमेंशन क्या है, तो ये अब उसने खुद ही ले लिया बिकॉज ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है Amazon पे। जब आपको एक नए प्रोडक्ट को ले जाते हो Amazon पर जिसका वेट और साइज डिफरेंट होगा वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि उसे कैसे टेस्ट करना है, राइट। तो अब कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे जाके Amazon फुलफिलमेंट वाले साइड में फोकस करना है। हम ये वाला जो साइड है यहाँ पे इस टेबल का, इसे हम इग्नोर करेंगे बिकॉज ये है मर्चेंट फुलफिलमेंट के लिए टेस्ट कैलकुलेटर, राइट, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम Amazon FBA करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम हमारी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में भेजेंगे और फिर वो हमसे कुछ फीस लेगा उसे स्टोर करने के, उसे शिप करने के, और हमसे रेफरल फी भी लेगा जब भी उसका एक यूनिट बिकेगा, राइट। तो हम फोकस करेंगे Amazon फुलफिलमेंट वाले कॉलम में। तो अब हमने जो भी डेटा यहाँ पे ऑलरेडी रेडी कर रखा है ये जाकर हम उस टेबल पे डालते हैं, राइट। सो $24 हमारी सेलिंग प्राइस है तो हमने यहाँ पे जाके $24 डाल देना है, राइट। शिप टू Amazon कॉस्ट इसका 1.5 ले लेंगे और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 6.5, बेसिकली 6.5 प्लस 1.5 इज $8। और यहाँ पर जो मैंने लिस्ट किया लिखा हुआ था वो था लैंडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, विच इज बेसिकली द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड द शिपिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट, राइट। तो ये जो $8 है दिस इज इक्वल टू 6.5 प्लस 1.5, राइट। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाकर हमें कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं हमें ये दिखाएगा कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या बनेगा और नेट मार्जिन क्या बनेगा, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो बेसिकली Amazon की फीस है जो हमारे पॉकेट से चली जाएगी जब भी कोई कस्टमर इसे $24 में खरीदेगा, राइट। तो वो क्या है, सबसे पहले तो सेलिंग फीस ऑन Amazon विच इज दिस फी, राइट। यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है 3.6। अब 3.6 क्यों है, 3.6 इसलिए है बिकॉज आई थिंक इस कैटेगरी में वो 15% लेता है, तो हम ये टेस्ट करके देख सकते हैं 0.15 विच इज 15%, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15% टाइम्स 24 इज इक्वल टू 3.6, राइट। तो ये है करेक्ट, 15% सेलिंग फीस ले रहा है Amazon जब भी हम इस प्रोडक्ट को $24 में बेचेंगे, तो ये है यहाँ पे उसकी एक फीस, राइट। दूसरा क्या होता है, FBA का स्टोरेज फी विच इज फुलफिलमेंट कॉस्ट विच इज रिटन ओवर हियर, राइट। यहाँ पे जो आपको ये नंबर दिख रहा है 6.64, दिस इज द टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट, राइट, विच इज इंक्लूडिंग योर शिपिंग कॉस्ट टू Amazon। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली इस नंबर को देखोगे विच इज द फीस दैट Amazon विल टेक अवे फ्रॉम यू, राइट। तो $5.14 इज द फुलफिलमेंट फी, विच मीन्स दैट हर बार किसी भी यूनिट को जब आप बेचोगे उस टाइम आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट होगा जो है $5.14, जो आपका सेलिंग फीस ऑफ ऑन Amazon है विच इज 15% ऑफ योर सेलिंग प्राइस। दिस विल चेंज व्हेन एवर यू चेंज योर प्राइस, मतलब अगर आपने समझ लो किसी दिन इसको 28 में बेचा तो वो हो जाएगा 15% ऑफ
28, वो 4.2 हो जाएगा, मतलब ये नंबर 4.2 हो जाएगा। अगर आपने किसी दिन इसको 25 पे बेचा तो ये उसका 15% हो जाएगा, पर आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है जो नहीं बदलेगा इस प्रोडक्ट के लिए जब तक आप इस प्रोडक्ट का वेट या साइज नहीं चेंज कर दोगे वो है 5.14। मतलब हर बार जब भी आप इस प्रोडक्ट को बेचोगे, चाहे वो 24 पे बेचो या $14 पे बेचो, आपके पॉकेट से $5.14 अमेजोन ले लेगा, मतलब आपके रेवेन्यू में से, राइट। तो दिस इज द स्टोरेज एंड शिपिंग फी विच इज कॉल्ड द FBA फीस। आई होप ये सबको क्लियर है, राइट। और अब हम यहाँ फोकस कर सकते हैं जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे अगर हम इस प्रोडक्ट को इस लैंडेड कॉस्ट में लेके आए, मतलब अगर ये प्रोडक्ट $8 का हमें पड़ता और अगर हम इस प्रोडक्ट को 24 में बेचते तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो बेसिकली मुनाफा होता है, वो है $7.14 विच इज 29.75%। और एक बात जो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े अक्षरों में लिख लेनी चाहिए लाल पेन से, वो ये है कि दिस इज़ नॉट वॉट यू विल बी मेकिंग। बिकॉज आप क्या है कि ऐड चलाओगे, आप अमेजोन की प्लेटफॉर्म का फीस पे करोगे जो $39 पर मंथ होता है, आप ऐड चलाओगे, अमेजोन के PPC ऐड चलाओगे, हो सकता है आप फेसबुक के ऐड चलाओगे, तो वो सारे जो मार्केटिंग के खर्चे हैं वो सब भी आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा एट दी एंड, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली कितना बनाओगे। तो अगर आपको चाहिए कि मैं उसका भी एक केस स्टडी बनाऊँ और मैं पूरा एक एग्जाम्पल रेडी करूँ, 300 यूनिट अगर आप भेजते हो अमेजोन में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, और वो देखना है अगर आपको, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। बट फिलहाल मैं आपको ये और भी दो प्रोडक्ट के साथ करके दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर हमें ये भी देखना है कि हम एक अगर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को अमेजोन में भेज रहे हैं तो वो कैसे, उसका कैसे FBA फी हम निकालेंगे। सो वॉच टिल दी एंड, बट दिस इज अ गुड टाइम, यही एक मौका है, आपको लाइक बटन दबाना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, चैनल अच्छा ग्रो हो रहा है, सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स कीप दिस गोइंग गाइज। कोर्स पे मैं बहुत ही तेजी से काम कर रहा हूँ और वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पर आपको मुझे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, राइट। ऑलराइट, अगला प्रोडक्ट डाल के देखते हैं। जो मैंने अगला प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ खोल रखा है वो है हमारा बैम्बू डिवाइडर। इस प्रोडक्ट को भी हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा हुआ था, तो हम इसे डाल के देखते हैं कि इसका कितना प्रॉफिट बनता है, राइट। तो कुछ नहीं, उसी तरीके से हम यहाँ पर आके इसका ASIN कॉपी कर लेंगे जो है इसका रोल नंबर, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है $9 इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, राइट, विच इज लैंडेड कॉस्ट ऑफ द गुड्स, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे आने के बाद अब क्लिक करना है ट्राई अनदर प्रोडक्ट पे। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू डाल देनी है जो मैंने यहाँ पे डाल दी है, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर से हम सर्च पे क्लिक करेंगे और फिर ये अमेजोन ने पकड़ लिया इसे कि यार ये वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्या डालना है, इसका प्राइस, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 26, तो हम 26 डाल देंगे, ओके। और कॉस्ट कितना है $9, तो हम यहाँ पर डाल देंगे $9। शिपिंग अभी मैं नहीं डालता हूँ, मैंने पूरा वैल्यू नीचे डाल दिया, वरना बेसिकली दिस $9 लाइक आई सेड विल बी अ सम ऑफ A+B। ए और बी क्या होंगे ये आप मुझे बताओगे नीचे कॉमेंट सेक्शन पे, राइट। सो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कैलकुलेट पे, ठीक है। और हम जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में भी लगभग सेम पैसा बन रहा है, विच इज $7.25 एंड 27.88%, राइट। सो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉफिट, मतलब हो सकता है आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करो या उस प्रोडक्ट को लॉन्च करो, यहाँ पे कमाई हो सकता है आपकी सेम हो, राइट। ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा कि कौन से कैटेगरी में ज़्यादा डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मूविंग है, कौन से कैटेगरी में आपके पास कॉम्पिटिशन कम है, उस पर भी फर्क पड़ेगा कि आपका बिजनेस कैसा होता है। बट हर यूनिट सोल्ड पर आप ऑलमोस्ट सेम कमाई करोगे अगर आप इस प्राइस पर इस डेटा के साथ बेच रहे हो, राइट। तीसरा प्रोडक्ट ट्राई कर लेते हैं जो है ये वाला, विच इज़ अ बेसिकली अ पोर्टेबल क्लोथ स्टीमर, राइट। लेट्स कॉपी द ASIN फ्रॉम द URL itself। देखो मैं हर बार अलग जगह से कॉपी कर रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। थम्स अप बनता है इसके लिए, ठीक है। फिर से हम क्लिक करेंगे ट्राई अनदर प्रोडक्ट पे, यहाँ पे जाकर हम इसका ASIN डाल देंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद हम फिर से इसका डेटा नीचे देखेंगे। पहले हम डाल देंगे आइटम का प्राइस जो है $29, राइट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज $13। ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, बड़ा सा प्रोडक्ट है, तो ये महंगा पड़ेगा काफ़ी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई परफेक्ट हार्ड रूल नहीं है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। हो सकता है आप में से किसी के पास ज़्यादा बजट हो, ज़्यादा टेस्टिंग की कैपेसिटी हो, और आपके पास
इतना बजट हो कि आप एक $13 का प्रोडक्ट भी अमेजोन पर लॉन्च कर सकते हो अच्छे खासे यू नो क्वांटिटी के साथ, तो क्यों ना आप उसको परस्यू करो, राइट? सो 13 मैंने यहाँ डाल दिया है, 29 मैंने यहाँ डाल दिया है, यूजुअली ये भी डालना चाहिए, ठीक है, बट मैं अभी वो सिंपलिसिटी के लिए नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे जोड़ दिया नीचे। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे $6.4 बनेंगे अगर आप ये $13 पे अमेजोन तक पहुँचाते हो, राइट, विच इज़ $22। तो बेसिकली एक समरी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला चीज़ है, ये नंबर शुड आइडियली बी ओवर 35, राइट? मतलब 35 से ऊपर तो होना ही चाहिए, 40+ इज़ अ ग्रेट गुड थिंग, एंड 45 एंड अबव अगर ये नंबर हो, दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो टू बी इन, बिकॉज यहाँ से आपके बहुत सारे खर्चे कवर अप हो सकते हैं। मतलब अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 45 है, तो क्या होगा कि उसमें से जब आप बहुत सारे खर्चे निकाल लोगे, मार्केटिंग के एक्सपेंस निकाल लोगे, उसके बाद अगर आपके पॉकेट में 25-30 बच रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा जिसको यूज़ करके आप बहुत जल्दी अपना बिजनेस को बड़ा कर पाओगे, ठीक है? तो हमने ये तीनों प्रोडक्ट तो ट्राई कर लिया, अब हम ट्राई करते हैं एक कस्टम प्रोडक्ट को। समझ लो कोई एक प्रोडक्ट है जो $25 पे आप बेचने वाले हो, राइट, और उसका कॉस्ट, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ रहा है आपको, वो है $7.50, और उसका यूनिट वेट है 1.1 पाउंड। ये सब डेटा आपको कोटेशंस लेके सप्लायर से बात करके ही मिलेगा, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। और उसका जो साइज़ वेट एंड यू नो जो डायमेंशंस है, वो है 4x4x5 inches, राइट? तो हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वापस FBA कैलकुलेटर में चलते हैं और फिर से यहाँ पर ट्राई अनदर प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो अब राइट साइड में जिसे हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे, ये वाली जो चीज़ है, ये अब हम इसे हम ट्राई करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमने डालना है 4x4, बेसिकली 4x4x5 भी डाल सकते हो, जैसे भी डालना है आप डाल दो। ये है इंचेस में, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंचेस में डाल रहे हो। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1.1 पाउंड्स, राइट? और कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर होम वाली, ठीक है? समझ लो हम इस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी पता होना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट का वेट पता होना चाहिए, और आपको अपने प्रोडक्ट का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी पता होना चाहिए, राइट? इसके बाद हम क्लिक करेंगे एस्टीमेट पे, ठीक है? तो ये करेगा अब एस्टीमेट। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे इसका प्राइस, विच इज़ 25 एज पर अस, राइट? और 7.5 जो यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिया है, समझ लो कि $6 प्रोडक्ट का कॉस्ट है और $1.5 शिपिंग का कॉस्ट है, राइट? तो लेट्स स्प्लिट दिस, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे हम 6 डाल देंगे, यहाँ पे हम 1.5 डालेंगे। रिमेंबर दिस इज कॉस्ट पर यूनिट, राइट? शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये दो वेरिएबल है, राइट? और अब हम जाकर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले मुझे बता दो, गैस कर लो कि ये प्रॉफिटेबल होगा कि नॉन प्रॉफिटेबल होगा। प्रॉफिटेबल होगा कि अबव $10 होगा कि बिलो $10 होगा, गैस कर लो, पॉज एंड गैस राइट नाउ, और थम्सअप भी दबा दो। दिस इज अ गुड पॉइंट टू हिट द थम्सअप आइकन, थम्सअप दबा दो। कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बन रहा है। इसमें हमारे बन रहे हैं, पहले तो बनने के पहले हम ये देख लेंगे कि इसका सेलिंग फीस क्या आ रहा है। सेलिंग फीस जैसा कि मैंने आपको बताया 3.75, विच इज 15% ऑफ 25, राइट? 15% इंटू 25 इज 3.75। इसका फुलफिलमेंट बाई अमेजोन फीस भी 5.14 है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट? एंड यहाँ पे आपका यूनिट प्रॉफिट बन रहा है $8.58, विच इज मच बेटर देन दी अदर प्रोडक्ट। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप ढूंढते हो तो अच्छी बात है, राइट? और यहाँ पे 34% होता है ये, राइट? तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट था, ये अच्छा नंबर था हमारे लिए, राइट? तो ऐसे ही आप किसी भी कस्टम प्रोडक्ट का भी डेटा यहाँ डालकर अमेजोन के FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप सब ने अमेजोन का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर अब देख लिया है, समझ लिया है, और अब आप इसे वीडियो को यहाँ पॉज करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, और 4-5 रैंडम प्रोडक्ट्स ढूंढो अमेजोन पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होने नहीं चाहिए, आपको बस ट्राई करना है ये टूल आज के आज ही, ताकि अमेजोन का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको ये बाय डिफॉल्ट समझ जाए कि आप ये कैसे करोगे। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस डेल्टा फोर कॉमर्स कोर्स में होंगे, जिसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आप सबको ये वीडियो यूजफुल लगा। इफ येस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स में फीडबैक दिया करो, कॉमेंट्स में बताया करो कि ये वीडियो कैसा था, अच्छा था कि नहीं था। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया करो। और जाने से पहले आप ये सारे वीडियोज भी चेक कर सकते हो जो मैंने स्क्रीन पर डाल दी है। हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स पर बहुत ही डिटेल्ड
तीन पार्ट के सीरीज के वीडियो मैंने बनाए थे, वो आप देख सकते हो। यूएस बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के ऊपर वीडियो आप देख सकते हो, और काफी सारे प्रोडक्ट आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर भी एक पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर दी है मैंने, तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। मिलते हैं आप सबसे अगले वेडनेसडे 9:15 PM ऑन दिस चैनल। दिस इज रिश साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया मान। अंटिल नेक्स्ट वीक।